दोस्तों कोई स्टार आ रखा है यहाँ पे, तो यहाँ भीड़ लगी हुई है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं टिकटॉक की दुनिया में। क्या बोला तूने? हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे कि टिकटॉक तो बंद हो गया तो ये कैसी भाई से बातें कर रहा है। तो भाई टिकटॉक बंद हो गया है लेकिन इंस्टाग्राम पे अभी भी कमर लचक रही है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, तो आज हम उसी प्लेस में जाने वाले हैं। दोस्तों प्लेस भी बहुत अच्छा है और वहाँ पे क्या है, रील्स ज़्यादा बनती है इंस्टाग्राम पे, जैसे कनॉट प्लेस, टीवी टावर आपने देखा ही होगा, बहुत फेमस जगह थी। लेकिन हम आज नोएडा में एक ऐसी जगह जाने वाले हैं, वहीं आपको बताऊँगा कि वो कहाँ पड़ेगा। और बाकी देन हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा पास है, तो अभी हम खड़े हैं उसी रोड पर, तो हमारी बाइक खड़ी है पीछे, बाइक से जाएंगे। तो दोस्तों पूरा व्यू देखना आप उस जगह का, उसको बोलते हैं मायावती पार्क। और आप देख सकते हैं तिरंगा, तिरंगा तो दिख नहीं रहा, हमारा तिरंगा लहरा रहा है, जय हिंद। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखलाते हैं पूरा व्यू। और जो दोस्तों वो जो टेंपल जैसा लगता है मायावती पार्क, अब उसका अंदर का रहस्य पता नहीं कि टेंपल ही है या फिर मतलब कोई मूर्ति वगैरह है, तो वो वहीं पता चलेगी, चलते हैं। और मैंने सुना है वहाँ पर टिकट भी कटती है, टिकट कटवा के हम अंदर चलेंगे। आपको ये भी बताऊँगा कि टिकट कितने रुपये की कटती है अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं और देखिए यहाँ गेट पे इतनी भीड़ लग रही है कि टिकट बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है लाइन लगानी पड़ेगी जब जाके हमें टिकट मिलेगी। तो अभी मैं बैक कैमरे से दिखलाता हूँ यहाँ भीड़ कितनी है और अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर अलग भीड़ मिलेगी, बाहर की भीड़ दिखाता हूँ अभी आपको। भाई कितनी भीड़ है दोस्तों, ये पहले ज़्यादा इतना फेमस नहीं था लेकिन लोगों की टिकटॉक इंस्टाग्राम रील्स वायरल हो रही है तो यहाँ इसलिए लोग बाग देखने भी आ जाते हैं और बहुत दूर दूर से देखने आने लगे। तो ये है, अभी कुछ लाइन नहीं है, मुझे लगा टाइम लगेगा। ये मेरा बंदा ले रहा है टिकट, टिकट काउंटर है। भैया कितने रुपए है टिकट? मुझे छः चाहिए, छः। कितने रुपए भैया? 15 रुपये। 15 रुपये टिकट। तो ये हम एंटर करते हुए तो गाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क है, आप देख सकते हैं पार्क का व्यू। और यहाँ आपको, और इसके जो ये है, ये मंदिर टाइप का है, इसके पीछे बैक साइड भी पार्क मिलेगा आपको देखने को। एंड देन ये हाथी है लाइन से, मुझे लगा बाहुबली मूवी यहीं शूट हुई हो। आप देख सकते हैं एक हाथी, और यहाँ से मैं इस एंगल से दिखाऊँगा तो कितने सारे हाथी दिखेंगे आपको। ये सारे टिकटॉकर कीड़े हैं डांस वाले, और यहाँ सब शूटिंग हो रही है, यहाँ सब ये इंस्टाग्राम पे गाइस रील्स बना रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया है ये जो प्लेस है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे को बताना कमेंट में। दोस्तों कौन कौन इस जगह पे आ रखा है मेरे को ये भी बताना कमेंट में, ठीक है। तो अभी चलते हैं, अभी आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। अभी मंदिर जो मैंने बताया था, मंदिर टाइप का, उसके ऊपर भी जाएंगे तो ऊपर जाके भी दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं ऊपर दोस्तों। ये ऊपर चढ़ते हुए हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी सीढ़ी है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, खड़ी सीढ़ी। और गाइस ये जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, ये आपको बिल्डिंग जो दिख रही है ना, ये दिल्ली NCR की सबसे ऊँची बिल्डिंग मानी जाती है। और आपको दिखलाते हैं ऊपर से नज़ारा,
दोस्तों कोई स्टार आ रखा है यहाँ पे, तो यहाँ भीड़ लगी हुई है। आया होगा कोई, आई डोंट नो, मास्क लगा रखा है बंदे ने, पता नहीं। बाकी देख सकते हैं आप कितना अच्छा नज़ारा है, कितना शानदार लगता है यहाँ पे। आप यहाँ पे डेली अगर पास पास में रहते हो तो शाम को भी आ सकते हैं, शाम को आके यहाँ पे घूम सकते हैं। बाकी 15 रुपये टिकट है यहाँ का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आया था तो हमारे कुछ यूट्यूबर मिल गए थे, तो भाई वीडियो देखते हो सब्सक्राइब कर देना गाइस बस। ये हमारा सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों ये पीछे जो दिख रहा है यहाँ पे गेट है, तो अभी चलते हैं अंदर, और गार्ड भी खड़े हैं, देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं। तो अगर अंदर जाने देंगे तो अंदर की भी वीडियो दिखलाता हूँ। दोस्तों ये अंदर जा रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो तो उसके लिए सॉरी। अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ मूर्ति है यहाँ पे यार, ये मेरे को मूर्ति का नाम नहीं याद आ रहा। दोस्तों ये जो बीच में मूर्ति लगी है, डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव की मूर्ति लगी है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी अंधेरा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, लाइट होनी चाहिए थी। और आपको कुछ मैं ही दिखला देता हूँ, पॉज करके पढ़ लेना, एक मिनट में फ्लैश जला दूँ। हाँ गाइस अब आ गया, आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हिंदी समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और एक बार और ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ ऐसा। तो अभी देखते हैं, गोल गोल घूमते हैं गाइस, बहुत ही बड़ी मूर्ति है, बहुत ही बड़ी, देख सकते हैं आप। तो अंदर यही चीज़ है, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा गूंज रही है यहाँ पे, और अंदर कुछ नहीं है। और आगे चलते हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, कृपया शांति बनाए रखे, ऐसा लिखा हुआ है ग्रीन बोर्ड पे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बस आगे नॉट अलाउ, आगे बंद है पूरा। ये कुछ मूर्ति लगी हुई है, और ये कुछ मूर्ति है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ देखने को। तो चलते हैं दोस्तों थोड़ा बाहर की साइड, बाहर की साइड देखते हैं कौन कौन से स्टार और कौन कौन से बंदे वीडियो बना रहे हैं, कितनी भीड़ देखने को मिलती है। तो भाई अभी हम मैं आ गया हूँ अंदर से बाहर, और तो अब आगे चल के देखते हैं, आगे चल के देखने को क्या मिलता है। तो चलते हैं आगे, और मेरे जो ये मेरा दोस्त है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा दोस्त है, मैंने मजाक करा था, तो ये रील्स बना रहा था यहाँ, तो मेरे को दिख गया। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं, बहुत बड़ा पार्क है, अगर पार्क को मैं घूमने लगा तो सुबह हो जाएगी, इतना बड़ा पार्क है दोस्तों, पैदल खासकर, तो यहाँ तो बाइक चलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलते हैं आगे दोस्तों। एक टावर हमने पीछे देखा था पार्क के पास, और एक टावर ये जो पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो अभी चलते हैं, इसको मैं आपको पास से दिखलाऊंगा, और बाकी साइड साइड में भी आपको पार्क देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस साइड भी पार्क है, और अभी हम उस गुंबद के पास चलते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है वहाँ पे, कोई स्टार भी आया हुआ है, अब पता नहीं, भीड़ लग रही है, देखते हैं वहाँ अंदर चलते। भाई यहाँ ना कनॉट प्लेस फेल कर दिया बंदों ने, इस बार बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दिया इसको, इस जगह को, मायावती पार्क को। आप देख सकते हैं यहाँ पे शूटिंग चल रही है इंस्टाग्राम की रील्स की, आपको अगर दिख रहा हो तो देखते हैं, पास चल के देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा दोस्तों, आप तो उसके लात ही मार दिया मेरे को। ओहो झगड़ा हो गया है, झगड़ा हो गया था यहाँ पर, तो अभी सारी भीड़ है, अभी भीड़ हो रखी है। तो भाई ये गुंबद कुछ ऐसी देखने को मिलती है, पहले यहाँ पे फुहारा चलता था, फुहारा मतलब चलता था यहाँ पे, अब बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों, कुछ दिनों में ऑन भी कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है, और ये सारी बिल्डिंग है नोएडा की, इंडस्ट्रियल एरिया, तो यहाँ चल रही है सारी शूटिंग, आप देख सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखा। देख सकते हैं दोस्तों, देखा आपने, ऐसे होती है यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स की शूटिंग, टिकटॉक ही समझ लो ये। तो हम टिकटॉक पे कमर हिलाने वाले नहीं है, टिकटॉक वाले एक्टिंग वाले, हम यूट्यूबर है, यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉक हो जाए, कभी भी जीतेगा यूट्यूब ही।
तो चलते हैं अभी थोड़ा बहुत आगे, देखते हैं क्या व्यू देखने को मिलता है दोस्तों। तो भाई अब बस इस मायावती पार्क में और कुछ देखने को नहीं है, जो दिखाना था वो मैंने दिखा दिया, और जो बाकी आगे इसके पीछे पार्क है और इसके आगे पार्क देखने को मिलेगा बस, और ऐसा कुछ नहीं है इस पार्क में। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जगह पसंद आई हो, अगर आप आसपास रहते हो तो प्लीज़ यहाँ पे आके घूमें, बहुत ही अच्छी जगह है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ बहुत ज़्यादा मन करेगा आने का। ये लोकेशन पता नहीं है, मैं लोकेशन ऐड कर दूँगा, मेंशन कर दूँगा, तो आप लोकेशन ट्रैक करके भी आ सकते हैं। और बाकी दोस्तों आज के ब्लॉग में इतने ही, लौटेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो अभी के लिए जय हिंद, नमस्कार।